हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा के लिए स्कूल मैनेजमेंट का क्रेश कोर्स स्टार्ट किया गया था, जिसमें दोस्तों अपनी दो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज दोस्तों इसमें तीसरे नंबर की क्लास है, उसका नाम है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। दोस्तों अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो है वो पूरा देखना है, और अगर आपने पिछले अगर दो वीडियो नहीं देखे हैं क्रेश कोर्स के तो वो ज़रूर देख लें। ठीक है, और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो शिक्षा संकुल जयपुर में है। ठीक है, किसका कार्यालय है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यालय कहाँ पर है? शिक्षा संकुल जयपुर में है। ठीक है, देखो इसके बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। सभापति कौन होता है? मुख्य सचिव। और इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व बालिकाओं के 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का। ठीक है, आगे देखो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रोत्साहन योजना। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है उनके बारे में दोस्तों देखो। पहली योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1998 से हुई थी गार्गी पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है, इसके पात्रताएं क्या है? तो इसमें पात्रताएं हैं 10वीं कक्षा में 75% या अधिक अंक लाने पर दोस्तों ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और लाभान्वित कौन कौन है? तो सभी वर्गों की छात्राएं, ठीक है, सभी वर्गों की जो छात्राएं हैं उनको दोस्तों ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जिनके 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं क्लास 10वीं में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया जाता है। इसमें दोस्तों 6,000 रुपये की राशि दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, 6,000 रुपये की राशि दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये पुरस्कार है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का, जो पुरस्कार है ये बसंत पंचमी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। दूसरी अपनी इसमें योजना है बालिका प्रोत्साहन योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 2008-2009 से की गई थी, और इसकी जो पात्रता है, यानी कि इस योजना की जो पात्रता है वो कौन है? तो दोस्तों 12वीं कक्षा में 75% या अधिक अंक लाने पर, यानी कि 75% या उससे अधिक अंक लाने पर दोस्तों ये बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा उसको। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। तीसरी योजना है अपना इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 2010-11 से शुरू की गई थी। ठीक है, 2010-2011 से इस योजना की शुरुआत की गई थी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना की। ठीक है, इसमें पात्रता क्या है? तो इसमें पात्रता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान आने वाली छात्राएं। ठीक है, यह है दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना की पात्रता। ठीक है, 10वीं और 12वीं क्लास में जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो एक जिले में एक को दी जाती है। ठीक है, और जो प्रथम स्थान आती है जिले के अंदर, जी यानी कि एक जिले के अंदर सबसे ज़्यादा जिसके नंबर आते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी परसेंटेज होती है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2010-11 से की गई थी, और इसमें दोस्तों सभी वर्गों की छात्राएं इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और राशि कितनी दी जाती है? तो 10वीं क्लास में 75,000 रुपये दिए जाते हैं और 12वीं क्लास में 1,00,000 रुपये की राशि नगद दी जाती है। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में। आगे देखो दोस्तों, चौथे नंबर की अपनी योजना है पद्माक्षी पुरस्कार योजना। ठीक है, तो दोस्तों
पद्माक्षी पुरस्कार योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 2017-18 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, वो है दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदलकर अब पद्माक्षी पुरस्कार योजना कर दिया गया है। ठीक है, इसमें पात्रता कौन कौन है, तो देखो 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान आने पर दोस्तों ये इस योजना का लाभ उठा सकती है। ठीक है, और अंक समान आने पर एक से अधिक भी, यानी कि किसी के 99% आए हैं और दूसरे के भी 99% आए हैं, तो दोस्तों दोनों को ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, पद्माक्षी पुरस्कार योजना दोस्तों, अब मैंने अभी आपको बताया इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदलकर ये किया गया था, पहले इसमें 10वीं और 12वीं ही थी, अभी की बार दोस्तों इसमें 8वीं और ऐड कर दी। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो देखो 8वीं क्लास में एक जिले में अगर प्रथम स्थान कोई छात्रा आती है तो उसको 40,000 रुपये और 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं में 1,00,000 रुपये की राशि नगद दी जाती है। ठीक है, आगे देखो विदेश यात्रा योजना, तो विदेश यात्रा योजना की जो शुरुआत है वो 2010-11 से की गई थी। ठीक है, अब देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं परीक्षा में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बोर्ड मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा मुफ्त करवाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों विदेश यात्रा योजना है, इसकी शुरुआत 2010-11 से की गई थी और इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि 10वीं की परीक्षा में कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल में बोर्ड की मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा मुफ्त करवाई जाती है। ठीक है, आगे देखो आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना की जो शुरुआत है वो 2004-05 में की गई थी। ठीक है, अब देखो इसमें पात्रता क्या क्या है, आपकी बेटी योजना में पात्रता क्या है, तो कक्षा प्रथम से 12वीं तक की वे बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, लाभ सभी वर्गों की बालिकाओं को मिलेगा। ठीक है, कक्षा 1 से 12वीं तक की बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं वो दोस्तों इसकी पात्रता है आपकी बेटी योजना में। ठीक है, देखो जिनके माता पिता में से दोनों का अथवा किसी एक का निधन हो गया हो, ठीक है, ये आपकी बेटी योजना में आएगी, और BPL श्रेणी की बालिका भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये तीनों होने चाहिए इसके लिए पात्रता। ठीक है, तो इसका राइट इसमें देखो क्या राशि कितनी दी जाती है, तो कक्षा 1 से 8वीं तक तो हर साल 1100 रुपये दिए जाते हैं और कक्षा 9 से 12 तक हर साल 1500 रुपये की राशि दी जाती है आपकी बेटी योजना में। ठीक है, 7वें नंबर की योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015-16 से की गई थी और इसकी पात्रता है राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 की छात्रा जो बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करे, न्यूनतम अंक 75% होने चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना इसकी शुरुआत है 2015-16 से की गई थी और इसकी जो पात्रता क्या है, पात्रता यह है कि गवर्नमेंट विद्यालयों में कक्षा 10 की छात्रा जो क्लास 10 में यानी कि बोर्ड की परीक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेगी। ठीक है, तो और दोस्तों न्यूनतम 75% अंक। ठीक है, तो उसका चयन किया जाता है। अब देखो कुल चयन यानी कि अपने टोटल कितने जिले हैं, 33। ठीक है, और प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान का चयन किया जाता है, तो प्रथम और द्वितीय स्थान पे देखो 33 × 2। ठीक है, तो 66 छात्राओं का दोस्तों इसमें चयन किया जाता है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में। अभी देखो यदि समान अंक आए तो निर्धारण गणित विज्ञान और अंग्रेजी के अंकों के आधार पर होगा, यदि अंक भी समान हो तो अधिक उम्र वाली बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि द्वितीय स्थान पे 3 लड़कियां रही, ठीक है, तो
अब पहले स्थान पर तो एक है, लेकिन द्वितीय स्थान पर तीनों के परसेंटेज है वो बराबर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सेकंड नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, इन तीनों के नंबर देखने पड़ेंगे कि तीनों में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, ठीक है। वो जाएगी दोस्तों सेकंड नंबर में, ठीक है, ये आपको। और फिर भी अगर नंबर भी तीनों के सेम हैं तो दोस्तों फिर तीनों में जो सबसे बड़ी है, ठीक है, उसको इसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो राशि कितनी मिलती है, 11वीं कक्षा की प्रवेश पर 15,000 रुपये की एक मुफ्त स्टेशनरी आदि हेतु, ठीक है, और 11वीं व 12वीं में प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और 12वीं के पश्चात 25,000 रुपये एक मुक्त स्टेशनरी आदि हेतु, और स्नातकोत्तर तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 2,00,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों कौन सी योजना, मुख्यमंत्री बेटी योजना, ठीक है, हमारी बेटी मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। तो दोस्तों ये है, देखो बहुत ही अच्छी स्कीम है ये योजना तो, ठीक है। अब देखो 8वीं योजना है, इसमें साइकिल वितरण योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 2007-08 से की गई थी। इसका लाभ क्या है, तो कक्षा 9 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है, ठीक है। साइकिल वितरण योजना में क्या है कि इसकी जो शुरुआत है वो 2007-08 से की गई थी, और इसका लाभ है यानी कि पात्रता क्या है, तो कक्षा 9 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना क्या है, तो देखो कक्षा, तो देखो तीन भागों में बांटा गया है 12वीं तक की कक्षा को, ठीक है, एक तो क्लास 1 से 5 तक, और फिर 6 से 8 तक, और फिर 9 से 12 तक, ठीक है। अब देखो इसकी जो शुरुआत है वो दूरी के सॉरी इसकी जो शुरुआत है वो 1 से 5 तक, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक 2017-18 में शुरुआत की गई थी, और कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, और प्रति उपस्थिति पर दोस्तों इसमें 10 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, प्रति उपस्थिति पर 10 रुपये दिए जाते हैं। और कक्षा 6 से 8 तक की जो ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है, ये इसकी जो शुरुआत है ये भी दोस्तों 17-18 से की गई थी, और 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए विद्यालय से, तो उसको 15 रुपये मिलेंगे प्रति उपस्थिति पर, ठीक है। और कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है ये 2007-08 में प्रारंभ की गई थी, और इसमें 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर विद्यालय है तो दोस्तों उसको 20 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना चाहिए, न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह है होना चाहिए, अन्यथा साइकिल वितरण योजना का लाभ, और दोस्तों इसके साथ ही में साइकिल वितरण योजना का लाभ न लिया हो, ठीक है, ये भी इसमें कुछ नियम है। यह है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। अब देखो 10वें नंबर की है इसमें कस्तूरबा गांधी STDR योजना, ठीक है, STDR मतलब स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, यानी कि विशेष सावधि जमा रसीद, इसकी जो शुरुआत है वो 2007-08 से की गई थी। अब इसमें पात्रता क्या है, तो पात्रता में देखो KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएं, ठीक है, कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंक हो, कक्षा 11 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, ठीक है। तो दोस्तों 5 वर्ष × 2,000 यानी कि 10,000 रुपये की जमा रसीद दी जाती है, ठीक है। कक्षा 12 में 50% से अंक उत्तीर्ण होने पर स्नातक में 3 वर्ष के लिए 3 × 4,000 यानी कि 12,000 रुपये की जमा रसीद भी दी जाती है, यानी कि 12,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो पढ़ाई के दौरान सावधि जमा रसीद दी जाती है तथा स्नातक पूर्ण होने पर दोस्तों ये राशि मिलती है, ठीक है, यानी कि 3 साल के 12,000 रुपये इकट्ठे हो गए तो कॉलेज कंप्लीट होते 12,000 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 11वीं योजना है छात्राओं हेतु FDR योजना, ठीक है,
छात्राओं हेतु FDR योजना, इसकी जो शुरुआत है 2008-09 से की गई थी और इसके जो पात्रता है वो राज्य के राजकीय या अनुदातित विद्यालयों में कक्षा नौ में अध्ययनरत SC/ST की बालिकाएं, ठीक है। दूसरा है KGBV में आठवीं उत्तीर्ण समस्त बालिकाएं, ठीक है। तीसरा है कक्षा नौ में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो, और चौथा है इसमें उम्र 14 से 16 के बीच में हो वह अविवाहित हो, ठीक है। यह है दोस्तों छात्रों हेतु FDR योजना। अब देखो इसका परिलाभ क्या है, तो 3000 की FDR जो योजना है 3000 की इसमें की जाती है, और 18 वर्ष की होने पर दोस्तों आपको ये लाभ इसमें मिलेगा, ठीक है। और 12वें नंबर की अपनी इसमें योजना है नैनीकली योजना। तो नैनीकली योजना की जो शुरुआत है वो 2006-07 में की गई थी। उदयपुर ज़िले के सरकारी विद्यालय की बालिकाएं जो कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत हो उन्हें 1800 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ये सिर्फ नैनीकली योजना है, ये उदयपुर ज़िले में है, ठीक है, याद रखना। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से दोस्तों इसका उत्तर सोच लो क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब व कहां की गई, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब व कहां की गई। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से दोस्तों इसका उत्तर सोच लो क्या होगा। 30 मार्च 1995 जयपुर, 30 अप्रैल 1995 जयपुर, 30 मार्च 1995 अजमेर, 30 अप्रैल 1995 अजमेर। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मार्च 1995 जयपुर, ए नंबर का ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 जयपुर में की गई थी। तीन नंबर प्रश्न है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का सभापति कौन होता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो। तो दोस्तों कार्यकारी परिषद का जो सभापति है वो मुख्य सचिव होता है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर प्रश्न है इसमें देखो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना नहीं है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना दोस्तों कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास में है, गार्गी पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां, पद्माक्षी योजना, साइकिल वितरण योजना। कौन सी योजना है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना नहीं है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है साइकिल वितरण योजना, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो गार्गी पुरस्कार योजना है ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था 1998 में। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है ये दोस्तों कब योजना प्रारंभ की गई थी, तो 2015-16 के अंदर ये योजना स्टार्ट की गई थी, 2015-16 के अंदर। और पद्माक्षी योजना है ये दोस्तों 2017-18 के अंदर स्टार्ट की गई थी, 2017-18 के अंदर पद्माक्षी योजना। और दोस्तों इसके अलावा देखो गार्गी पुरस्कार योजना तो 98 में स्टार्ट की गई थी, आपकी बेटी योजना दोस्तों 2004-05 में की गई थी। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है ये 2010-11 में, बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना है ये 2010-11 में की गई थी। आगे चलते हैं, तो इसमें देखो पांच नंबर प्रश्न है, वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटी बेटियां योजना में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाएगा, वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, 66 बालिकाओं को, 99 बालिकाओं को, 132 बालिकाओं को, या अनिश्चित। जल्दी से दोस्तों इसका उत्तर सोच लो क्या होगा इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 132 बालिकाओं को दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों देखो
मैं आपको बता देता हूँ मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है वो क्या है। तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक जिले की दो मेधावी छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2015-16 की वित्तीय सहायता 2015-16 से दोस्तों वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके बाद सेकेंडरी बोर्ड में एक बीपीएल परिवार की प्रत्येक जिले की प्रथम स्थान प्राप्त मेधावी छात्रा को इसमें शामिल किया गया है। तथा दोस्तों 2018-19 में दसवीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एक अनाथ बालिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों 66+33+33 यानी कि 132 बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। सिक्स नंबर प्रश्न है, कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन की एकमुश्त कितनी राशि मिलती है। अगर 12वीं क्लास में दोस्तों 75% से अधिक अंक कोई बालिका अगर लाती है तो उसको दोस्तों एकमुश्त कितनी राशि मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर 5,000 रुपये मिलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, चार ऑप्शन आपके पास में है, 2007-08 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष में लागू की गई। दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कब स्टार्ट की गई थी। देखो चार ऑप्शन है, जल्दी से इसका उत्तर सोच लो क्या होगा मन में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है ये 2007-08 में प्रारंभ हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में छात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में छात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, कितनी राशि दी जाती है, 1500 रुपये। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न, इसमें देखो गार्गी पुरस्कार योजना में कितनी राशि दी जाती है। तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है ये आपको बताना है, 2000, 3000, 6000, 4000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गार्गी पुरस्कार योजना में 6000 की राशि दी जाती है इसके अंदर। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, पद्माक्षी पुरस्कार योजना को प्रारंभ किस योजना को बंद करके किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना को बदलकर दोस्तों पद्माक्षी पुरुष योजना कर दिया गया था। ठीक है, देखो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का नाम परिवर्तन कर पद्माक्षी पुरुष योजना कर दिया। प्रारंभ वर्ष 2017-18, ठीक है, प्रारंभ कब हुई थी ये पद्माक्षी पुरस्कार योजना, 2017-18 के अंदर, ठीक है, 2017-18 में। अब इसके लिए पात्रता क्या है, तो पात्रता देखो कक्षा 8, 10 और 12 बोर्ड कक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। समान अंक आने पर एक से अधिक बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है। देय सुविधा क्या है, तो इसमें देखो कक्षा 8 की बालिकाओं को 40,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिकाओं को 75,000 रुपये और कक्षा 12वीं की बालिकाओं के लिए को दोस्तों 1,00,000 रुपये प्लस स्कूटी। ठीक है, ये तीनों शाखाओं के लिए है, कला शाखा, विज्ञान और वाणिज्य, तीनों के लिए दोस्तों ये योजना है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न, इसमें देखो REI का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों REI का जो पूरा नाम है वो है राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट। याद रखना राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों इसका पूरा नाम है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत राजस्थान में कब हुई। राजस्थान शिक्षा पहल की योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में कब हुई थी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2005 में। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में राजस्थान शिक्षा पहल की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया। राजस्थान में राजस्थान शिक्षा पहल की नोडल एजेंसी है वो दोस्तों किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसके अंदर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न, राजस्थान शिक्षा पहल के मुख्य सहयोगी नहीं है। राजस्थान शिक्षा पहल के मुख्य सहयोगी नहीं है, तो दोस्तों कौन नहीं है इसके मुख्य सहयोगी। चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से दोस्तों इसका उत्तर सोच लो क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा FEGG, ये दोस्तों इसकी मुख्य सहयोगी नहीं है। दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि FEGG का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कमेंट में बताना है ये। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, राजस्थान शिक्षा पहल का मुख्य उद्देश्य नहीं है। राजस्थान शिक्षा पहल का दोस्तों मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। दोस्तों देखो मैं राजस्थान शिक्षा पहल यानी कि REI के जो उद्देश्य क्या क्या हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पहले तो देखो उद्देश्य हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं हेतु गुणात्मक व समावेशी शिक्षा के अवसर जुटाना। दूसरा है शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास करना। तीसरा है बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का सार्वजनिकीकरण। चौथा है विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी से शैक्षिक सबलीकरण। पांचवा है कंप्यूटर साक्षरता। छठा है पब्लिक प्राइवेट सहभागिता का नया नवाचार। आठवा है पौष्टिक भोजन। नवा है स्वच्छता एवं स्वास्थ्यवर्धन हेतु पेयजल। दसवा है आधुनिक शौचालय युक्त सुविधाओं द्वारा बच्चों का संपूर्ण विकास। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठहराव निश्चित नहीं करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य मुख्य नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखो, REI की अधिकृत वेबसाइट www.rei.org.in है, वन वर्ल्ड साउथ एशिया के सहयोग से कब लॉन्च की। तो दोस्तों वन वर्ल्ड साउथ एशिया के सहयोग से ये लॉन्च कब की थी ये वेबसाइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर सोच लो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है फरवरी 2009। सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान शिक्षा पहल के कार्यों की कितनी धाराएं हैं। राजस्थान शिक्षा पहल के कार्यों की कितनी धाराएं हैं, तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2। कितनी धाराएं हैं, 2। देखो राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति करना अर्थात शिक्षण के बुनियादी ढांचे और प्रणाली में सुधार करना REI की 2 कार्य धाराएं हैं। कौन कौन सी है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, ठीक है, और दूसरी है नॉन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो 9वां नंबर का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपने अभी भी आराध्या आर्य एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।